जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़न की सेल आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल की रियलिटी क्या है। अच्छा, क्योंकि ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है इसमें आपको भर भर का ऑफर मिलने वाला है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान देने लायक, जिससे कि आप इस फ्लिपकार्ट अमेज़न के फ्रॉड से भी बच सकते हो। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सेल स्टार्ट होने से पहले ही कुछ ऑफर आपको दिखाने लग गए। उस जगह होता क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेज़न वालों की एक स्ट्रेटजी होती है, लोगों को पता चले कि फेस्टिवल सेल आने वाली है, उस सेल में आप पहले से तैयारी कर ले। और कुछ लोगों को इस सेल के बारे में पता नहीं होता है, तो धीरे धीरे मार्केट में ये बात फैलती है, वो सेल का इंतजार करने लगे। क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो इस सेल की हाइप बनेगी। आपको सेल में ऑफर तो भर भर के दिखाया जाता है, लेकिन कुछ ही लोग उसका बेनिफिट ले पाते। क्योंकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, जैसे एमआरपी से घटाकर इसका सेल प्राइस कर दिया जाता है, बैंक ऑफर आपको दिया जाता है, एक्सचेंज पे एक्स्ट्रा ऑफ आपको देखने को मिल जाए, साथ ही में आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी देखने को मिलती है। तो इन सब का रेशियो अगर आप निकालोगे तो कम से कम आपका जो स्मार्टफोन है 10 से 20 हजार रुपए सस्ता मिल जाता है। यदि आपका स्मार्टफोन 40 हजार रुपए का है तो आप 30 हजार रुपए तक इसे खरीद सकते हो। ऐसा फ्लिपकार्ट और अमेज़न वाले या ऑनलाइन शॉपिंग वाले दिखाते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में आपको इतना बेनिफिट मिल पाता है? 90% लोगों का जवाब ये रहता है कि नहीं। तो एक्चुअल में होता क्या है, वही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाइएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल प्राइस जो ड्रॉप होता है उसके बारे में। जैसे कि आपके स्मार्टफोन की कीमत यदि 20 हजार रुपए है तो 3 हजार रुपए का वहां पर प्राइस ड्रॉप हो जाता है, तो आपका जो स्मार्टफोन है उसकी कीमत मिलती है 17 हजार रुपए। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज पर आपको मिलता है लगभग 5 हजार रुपए का डिस्काउंट, जिसमें आपको अपना पुराना फोन देके नया फोन लेना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी अपन ऑफर के बारे में बात करते हैं। साथ में आपको 1000 या 2000 रुपए का क्रेडिट कार्ड या बैंक ऑफर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो इन सब ऑफर को मिला के आपका जो स्मार्टफोन है वो मिल जाता है आपको मात्र 10 हजार रुपए में। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इस ऑफर का बेनिफिट ले पाते हैं, तो यहाँ पे तीन टाइप की रियलिटी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों सबसे ज्यादा ये लोग लुभाते हैं इसकी एमआरपी दिखा के। तो जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो उसकी एमआरपी पे वो लॉन्च नहीं होता है। यदि कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है और उसकी एमआरपी 35 हजार रुपए है तो वो 29 या 30,000 रुपए में ही मिले। तो दोस्तों तीन टाइप की रियलिटी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आती है इसकी एमआरपी। तो दोस्तों कभी भी एमआरपी पे स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होता है। जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो उसकी एमआरपी जो है लगभग 35,000 अपन मान लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो प्राइस रहता है 29 से 30,000 रुपए होता है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि कुछ टाइम बाद उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे 30,000 रुपए का आपका फोन है, वो सेल के टाइम पे लगभग 2 या 3 हजार रुपए का डिस्काउंट मिलकर 27,000 रुपए में मिल जाता है। तो ऐसे प्राइस को हम सेल डिस्काउंट मान सकते हैं, लेकिन एमआरपी प्राइस को नहीं। और सेकंड होता है बैंक कार्ड। सभी बैंक कार्ड पे ये ऑफर अवेलेबल नहीं होता है। डिपेंड करता है कि फ्लिपकार्ट अमेज़न या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म उनका इस बैंक के साथ तालमेल हो। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास कार्ड होना चाहिए बैंक ऑफर के लिए, और आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से लेके ये बैंक ऑफर लगा सकते हैं। अभी किन किन स्मार्टफोन पे ऑफर चल रहा है वो हम उस पर अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है एक्सचेंज वैल्यू या एक्सचेंज बोनस। मान लीजिए यदि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आईफोन खरीद रहे हैं, आईफोन की कीमत है 40 हजार रुपए, 3 हजार रुपए सेल डिस्काउंट मान लीजिए एंड 3 हजार रुपए बैंक ऑफर या क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मान लीजिए, तो यहाँ पे आपकी जो फोन की कीमत है वो 34,000 रुपए हो गई है। अब आते हैं एक्सचेंज वैल्यू और एक्सचेंज बोनस के ऊपर। तो 5,000 रुपए का एक्सचेंज वैल्यू दिखाते हैं एंड 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस आपको देखने को मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये सब ऑफर देख के आप आईफोन को ऑर्डर करने जाओ तो वहां पे आपको एक्सचेंज वैल्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक्सचेंज का मतलब आप नया फोन लेने के बदले आप कोई पुराना स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको देना पड़ेगा और उसकी कीमत वहां पे डिसाइड हो। तो ये सब वैल्यू डिसाइड करने के लिए आप एक्सचेंज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको अपने फोन की जो पुराना फोन है उसकी ब्रांड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी ब्रांड का है, EMI नंबर वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपके फोन में कोई स्क्रेचेस तो नहीं है, फोन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, फोन में कोई डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। आप प्रॉपर तरीके से वहां पे सिलेक्ट करोगे कि आपके फोन में मान लीजिए 2 स्क्रेचेस एंड आपके फोन में 1-2 जगह डेंट है और आपका फोन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो वहां पे आपके जो फोन की एक्चुअल कीमत निकल कर आई है 4,500 रुपए। 500 रुपए आपको यहाँ पे कम हो गए। फिर भी आप ये सोचते हैं कि चलो आपके जो फोन की कीमत है वो आपको 4,500 रुपए मिल रही है, 500 रुपए यहाँ पे
समय कम हुआ है और उसी दौरान आप अपने फोन को ऑर्डर कर देते हो, लेकिन जब आपका फोन डिलीवर्ड होने आता है तो डिलीवरी बॉय आपको अपना नया फोन दे देता है। नया फोन देने के बाद वो बोलते हैं कि आपका पुराना फोन दीजिए, तो पुराना फोन लेने के बाद वो एक बार से वापस से उस फोन को चेक करेगा कि उसमें जो आपने एक्चुअल डिटेल फिल की थी वो मैच हो रही है या नहीं। तो यदि उसमें जो आपने एक्चुअल डिटेल फिल की थी वो सेम मिल गई तो वहां पे तो आपका जो फोन का प्राइस है वो 4500 रुपए मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब भी डिलीवरी बॉय आपको नया फोन देगा एंड बोलेगा कि आपका पुराना फोन दीजिए, और पुराना फोन वो बहुत अच्छी तरीके से चेक करेगा कि आपने जो उसमें पहले से डिटेल फिल की थी सेम वो मैच हो रही है या नहीं। वो इतनी अच्छी तरीके से चेक करता है कि जो डिटेल आपने उसमें फिल की थी उसमें भी कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि डिलीवरी बॉय उस फोन को लेके जाता है, उसके बाद में ऑफिस में वो एक बार और चेक होता है, यदि उस फोन में कोई कमी निकली तो वो जो पैसा है वो डिलीवरी बॉय के अकाउंट से डिडक्ट होता है, तो वो कुछ ना कुछ कमी इस फोन में आपको निकाल ही देंगे। यदि आपने डिटेल में 2 स्क्रैचेस अपने फोन में फिल किए थे और उसमें और भी स्क्रैचेस निकलते हैं तो वहां पे आपका 1000 रुपए वो डिडक्ट हो जाएगा, तो आपके जो फोन की कीमत है वो 3500 रुपए हो गई। देन इसके बाद यदि आपके फोन का कोई पार्ट्स वर्क नहीं कर रहा है या आपके फोन में कोई अदर डैमेज है, वहां पे भी आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता है। वहां पे डिलीवरी बॉय आपसे कहेगा कि 1000 रुपए आपके स्क्रैचेस के कम हो गए और 3000 रुपए आपके डेंट के कम हो गए, और ऑर्डर करते टाइम 500 रुपए आपके वहां पे कम हो गए, तो टोटल मिलाकर आपके हो गए 4500 रुपए। आपको उस टाइम पे 4500 रुपए और पे करना पड़ेगा और अपना नया फोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपके फोन की जो एक्सचेंज वैल्यू निकल कर आई है 500 रुपए और एक्सचेंज बोनस जो आपका है 5000 रुपए। तो आपको अपने पुराने फोन का यहाँ पे 5500 रुपए एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा, तो आपको 3000 रुपए सेल ऑफर, 3000 रुपए बैंक डिस्काउंट, तो 6000 रुपए ये हो गए, 5000 रुपए आपको एक्सचेंज बोनस, तो 11000 रुपए और 500 रुपए आपका एक्सचेंज वैल्यू, तो आपको टोटल 11500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको लगभग 16000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था वहां पे आपके फोन की जो कीमत हो गई वो 11500 रुपए हो गई है। तो जहाँ पे आपको अपना नया आईफोन लेने के लिए 24000 रुपए पे करना पड़ रहा था वो अब आपको लगभग 28500 रुपए पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फोमो क्रिएट करने के लिए, प्राइस को लंबा डिस्काउंट दिखाने के लिए ये सब ऑफर दिए जाते हैं, और एक्सचेंज बोनस को बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो एक्चुअल डिस्काउंट वहां पे दिया जा रहा है वो आपको मिले, और ये भी जरूरी नहीं होता है कि आपको एक्सचेंज करने के लिए आपके पास अपना पुराना फोन हो। सकता है आप उस फोन को देना नहीं चाहते, और हो सकता है आपके जो ओल्ड फोन की जो कीमत वो लोग लगाते हैं उससे ज्यादा उस फोन की कीमत हो और आपको मार्केट में उसकी ज्यादा कीमत मिल रही, तो वहां पे आपको एक्सचेंज बोनस भी नहीं मिले। तो यहाँ पे यही सब स्ट्रेटजी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अदर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी चीज खरीदे। तो यही छोटी सी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो लाते रहते हैं। तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, और आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।